जादुई ताकत होने के बावजूद रहने के लिए सिर्फ 12x6 इंच का कमरा। तो क्या इसमें जादू है या फिर तुम में जादू है? जादुई गठबंधन समझ लो। अलादीन की कहानी ने बचपन में आपको भी एंटरटेन तो जरूर किया होगा, कभी ना कभी आप भी अरेबियन नाइट सीरियल के दीवाने रहे होंगे। और जो लोग अलादीन को पसंद नहीं करते उन्हें भी कम से कम इसका नाम तो जरूर सुना होगा। एक समय ऐसा भी था जब छोटे बच्चे टीवी पर अलादीन नाम का यह सीरियल देखकर ही अपनी शाम गुजारते थे। हालांकि आज के साइंटिफिक दौर में ये सवाल तो बेमानी है कि अलादीन की कहानी घटना सच थी या झूठ, लेकिन फिर भी क्या आप यकीन करेंगे कि अलादीन के चक्कर में 2.5 करोड़ का घोटाला हो गया? हमारे इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए तो हम अलादीन से जुड़े और भी रियल फैक्ट्स आप तक पहुंचा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अलादीन की कहानियां आज से लगभग 300 साल पहले दुनिया के सामने आई। अरेबियन नाइट्स नाम की एक किताब में कुल 1000 कहानियां मौजूद हैं और इनमें से एक कहानी है अलादीन की। अलादीन की यह कहानी बहुत ही फेमस हुई। इस कहानी में अलादीन नाम के एक लड़के को एक चिराग मिलता है। वो इस चिराग को उठाता है। अभी वो इस चिराग को ठीक से देख ही रहा होता है कि अनजाने में ही वो इस चिराग को घिस देता है, जिससे उस चिराग में से एक जिन्न पैदा होता है और अचानक उसके सामने प्रकट होकर उससे पूछता है, क्या हुक्म मेरे आका? दरअसल एक गरीब लड़के अलादीन को मिला हुआ ये चिराग एक जादुई चिराग रहता है। उस चिराग में एक जिन्न बंद रहता है जो कोई भी उस चिराग को हासिल करता है और चिराग के मालिक के घिसने पर चिराग से निकलकर उसकी इच्छाएं पूरी करता है। जिसके हाथ में चिराग होता है वो जिन्न उसके बताए हुए काम को करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो केवल किस्से कहानियों की बातें हैं, ऐसी कहानियां भला कहां सच होती है? दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इस तरह से कहानियों पर यकीन करते हैं। दरअसल जिन्न एक अरबी शब्द है। हम इंसानों के बीच जिन्न और जिन्नात की उपस्थिति की कल्पना इस तरह की कहानियों में की जाती है। ये मुसीबत में पड़े हुए इंसानों की मदद करते हैं। जो लोग बेकसूरों और गरीबों को परेशान करते हैं ये उनको दंड भी देते हैं। लेकिन इस तरह की कहानियों का आम इंसान के बीच में लोकप्रिय होना इस बात को भी दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक आम इंसान अपने जिंदगी के हालातों में इतना परेशान हो जाता है कि उनसे निकल ही पाना मुश्किल हो जाता है। और जब तक वो अपने तमाम प्रयास करके हार जाता है तब तक उन गमों और तकलीफों को भुलाने का उसे एक आसान तरीका नजर आता है कि वो अपने आप में से एक ऐसे हीरो की कल्पना करता है जो उसके सामने आकर उसकी मर्जी के मुताबिक उसे सुख सुविधाएं और संपन्नता देता है। साथ ही जो उसे परेशान करता है वो उसे दंड भी दिलाता है। जब कोई लेखक या कहानीकार इस तरह की कहानियां लिखता है तो वो कहीं ना कहीं आम गरीब और परेशान आदमियों के इन्हीं सपनों को एक आकार देता है। वो अपने कल्पनाओं के जरिए आम इंसान की तकलीफों में उनके लिए किसी फरिश्ते को लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन हकीकत में ये केवल कहानियों में ही होता है। बीतते समय के साथ इस तरह की कहानियां जब लोगों में लंबे समय तक पॉपुलर रहती हैं तो आम जनमानस में लोग ये भी मानने लगते हैं कि सच में पुराने समय में ऐसा कोई किरदार हुआ होगा जिसने उस समय की लोगों की समस्याओं को जादू की छड़ी घुमाकर दूर कर दिया होगा। इस कहानी के आखिरी में अलादीन अपने जिन्न को एक आखिरी हुक्म देता है और उसके बाद ये कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि अलादीन ने अपने जिन्न को आखिर में क्या हुक्म दिया था? अलादीन ने अपने जीवन काल में मरने से पहले अपने जिन्न को यही हुक्म दिया था कि जा मेरे भाई, जमीन में दफन हो जा ताकि जो तुझे पाना चाहे तो उसे उसके मरने के बाद मिले और तेरी ताकत से इस दुनिया में अब ना पैदा हो कोई बुराई। क्या सच में जिन्न इतने अच्छे होते हैं जितना कि अलादीन की कहानी में बताया गया है? जिन्न शब्द अरबी भाषा से लिया गया है लेकिन कुरान में जिन्न, जिन्नी और जिन्नात के बारे में कुछ और ही कहानी है। कुरान के अनुसार जिन्न हवाओं से पैदा होते हैं यानी ऊपरी हवाओं से, लेकिन ऊपर की ये शक्तियां सकारात्मक भी हो सकती हैं और नकारात्मक भी। जिन्न आपके लिए उतने ही बुरे हो सकते हैं जितनी बुरी आपकी सोच है। आपके लिए वैसे ही संबंध बनाते हैं जैसे कि आप उनके साथ रखना चाहते हैं। कुरान के अनुसार जिन्न इंसानी जिंदगी में दखलंदाजी कर सकते हैं, उन्हें ये अधिकार होता है, लेकिन इसके लिए जिन्न के लिए जरूरी होता है कि वो इंसानों के साथ संबंध स्थापित करें। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इस बात पर यकीन करते हैं कि जिन्न हम इंसानों का इलाज भी कर देते हैं। खासतौर से हमारे देश भारत में तो ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने जिन्न से इलाज कराया है और वो ठीक भी हो गए हैं। ऐसे ही सोच वाले एक इंसान थे उत्तर प्रदेश के मेरठ के एक डॉक्टर लईक अहमद। ऐसा नहीं है कि लईक अहमद पढ़े लिखे नहीं थे बल्कि वो पेशे से एक डॉक्टर हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान। साल 2020 में उनके सामने एक इकरमुद्दीन नाम का शख्स आया जिसकी माँ बीमार थी। लईक अहमद ने उसकी माँ का इलाज कर दिया और वो ठीक हो गई। इसके बाद इकरमुद्दीन सोचा कि नई डॉक्टर लईक अहमद को मुर्गा बनाया जा सकता है। इसके लिए उसने डॉक्टर लईक अहमद को एक जादुई चिराग के बारे में बताया और उसने डॉक्टर को 5 लाख को चिराग की मदद से 7 लाख में बदल दिया।
ये देखकर डॉक्टर लईक अहमद का लालच उनके सिर चढ़कर बोलने लगा। उन्होंने इकरामुद्दीन को पूरे 2.5 करोड़ रुपए दिए ताकि वो पैसे को डबल कर सके। इसके बाद इकरामुद्दीन वहां से ऐसे गायब हो गया जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। उसके जाने के बाद डॉक्टर को ये समझ में आया कि भैया उनका तो पूरी तरह से पोपट बन गया। अलादीन के चिराग के नाम पर इकरामुद्दीन ने उन्हें 2.5 करोड़ का चूना लगा गया। जहां पूरी दुनिया को ये मालूम है कि अलादीन के चिराग को घिसने से उसमें से जिन्न निकलता है और मुंह मांगी मुरादे पूरी करता है। लेकिन डॉक्टर लईक अहमद को तो पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बात समझ में आ गई कि अलादीन के चिराग के चक्कर में उनके पूरे के पूरे 2.5 करोड़ रुपए गायब हो गए। हालांकि बाद में इकरामुद्दीन मेरठ पुलिस की गिरफ्त में आ गया और जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि इकरामुद्दीन का यही धंधा था। वो अलादीन के चिराग के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया करता था और उनसे पैसे ऐठा करता था। इन तमाम समस्याओं के बीच आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हकीकत में अलादीन के पप्पा चाइना से थे और फाइनली अलादीन का चिराग भी आज की तारीख में चाइना में मौजूद है। मतलब चाइना वाले आज से 300 साल पहले अपना अलादीन इंडिया में प्लेस कर गए थे, जबकि हकीकत में ना तो अलादीन का कहीं महल मौजूद था, ना ही अलादीन और ना ही उसका चिराग। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर अलादीन सच में कभी पैदा हुआ होता तो आज उनका कोई ना कोई वंशज तो जिंदा होता, उनके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के रूप में कोई तो हमारे सामने होता। अलादीन की कहानी के बारे में दूसरा सवाल ये उठता है कि अगर अलादीन की कहानी सच होती तो सच में उसका चिराग होता तो अलादीन उस जिन्न के जरिए खुद को अमर करवा लेता और आज भी दुनिया में मौजूद होता, दुनिया का भला कर रहा होता। लेकिन अच्छा हुआ कि अलादीन ने अपने मरने से पहले अपने चिराग को जमीन के भीतर दफना दिया, वरना इस चिराग के चक्कर में हमेशा झगड़े फसाद होते रहते। आज की तारीख में तो तीसरा, चौथा, पांचवा न जाने कितने विश्व युद्ध हो जाते हैं। अरेबियन नाइट्स की जिस किताब में अलादीन की कहानी का जिक्र किया गया है, उस किताब के अनुसार अलादीन का चिराग आज चाइना में मौजूद है। वो उस स्थान पर दफन है जहां अलादीन के पिता की कब्र मौजूद है। लेकिन अगर ये बात चीनियों तक पहुंच गई तो हो सकता है चीन की सरकार चिराग के चक्कर में चीन की एक एक इंच जमीन को खोद डाले और अलादीन के चिराग को ढूंढ कर निकालने की पूरी कोशिश कर ले, और फिर भी अगर चिराग नहीं मिला तो ये भी हो सकता है कि इस देश से वो हमें उठवा ले। भले ही दुनिया के ज्यादातर लोग अलादीन के चिराग की इस कहानी पर भरोसा ना कर रहे हो, लेकिन जो लोग इस कहानी पर भरोसा करते हैं उनके लिए अलादीन का चिराग आज भी चीन के उस माल की तरह है जो चला तो चांद तक वरना दुकान से घर तक। क्योंकि अलादीन के चिराग के नाम पर जो लोग दूसरों को बेवकूफ बनाने का धंधा करते हैं उनका तीर तुक्का अगर एक बार लग गया तो समझ लीजिए कि उनकी चांदी हो गई। उन्हें अलादीन का चिराग से जिन्न मिले या ना मिले, लेकिन उसके नाम से दूसरों को ठगने और अपनी रोजी रोटी को चलाने का जरिया तो मिल ही जाता है। वैसे आप अलादीन की इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी ये कहानी सच लगती है? अगर नहीं तो जो लोग इस अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं और इसके चक्कर में अपना सब कुछ लुटा बैठते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और सबसे बड़ी बात, आप हमारे इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।